फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसे नुस्खे जिनसे आप भी गोरा बच्चा पैदा कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा यह YouTube चैनल हेल्थ की दुनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर जाकर उसको क्लिक करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे इस चैनल की सारी अपडेट सबसे पहले मिल सके। आजकल हर माता पिता, दादा दादी अपने घर आने वाले नन्हे मेहमान को गोरा और स्वस्थ देखना कोई नहीं चाहता कि उनके घर आने वाला नन्हा मुन्ना कमजोर हो या उसका रंग साफ ना हो। यही कारण है कि आजकल लोग इंटरनेट पे हाउ टू गेट फेयर बेबी ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों ने हमसे बच्चा गोरा कैसे पैदा हो पर वीडियो का आग्रह किया है, तो हम इस वीडियो को उनको समर्पित करते हैं जो लोग स्वस्थ और गोरा बच्चा पाने की कामना करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम गोरा, काला और सांवले रंग का कोई भेद करते हैं। वैसे भी रंग का निर्धारण माता पिता से बच्चे को मिलने वाले जीन्स पर ही निर्भर करता है। हमारी ये वीडियो उन बातों पर केंद्रित है जो हजारों सालों से अब तक चली आ रही हैं, यानी वो उपाय, वो नुस्खे जिन्हें हमारे बड़े और बुजुर्ग गोरा और स्वस्थ बच्चा पाने के लिए हमें अक्सर सुझाते हैं। एक गर्भवती महिला अपने होने वाले बच्चे को स्वस्थ एवं सुंदर बनाने के लिए कई उपाय करती है। जब तक बच्चा गर्भ में होता है, माँ की यही कोशिश होती है कि वह सभी खाद्य पदार्थ सेवन के साथ ऐसे उपाय किए जाएं जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद सिद्ध हों। लेकिन हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि कोई भी आहार या डाइट प्लान अपनाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ दूसरे के लिए सही हो वह आपके लिए भी सही हो। इसलिए किसी भी साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए अपने डॉक्टर को सलाह अवश्य ले लें। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको ऐसे नुस्खे बताने जा रहे हैं जिनके प्रयोग से होने वाला बच्चा न केवल सेहत के लिहाज से तंदुरुस्त पैदा होगा, साथ ही सुंदर एवं रंग रूप में भी गोरा हो जाएगा। इसके लिए जैसे ही किसी महिला को पता चले कि वह गर्भवती है तो उसे कुछ उपाय करने चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले संतरे का सेवन। संतरे में पाए जाने वाला विटामिन सी एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट और स्किन वाइटनिंग विटामिन होता है। संतरे का नियमित सेवन आपके होने वाले बच्चे और आपका रंग रूप बेहतर करने में मदद करता है। गर्भवती महिला को 8वें महीने तक रोज 2 संतरे खाने चाहिए, इससे गोरे रंग का बच्चा पैदा होता है। इसके अलावा दिन में, रात में जब भी खाना खाएं तो थोड़ी सी सौंफ जरूर चबा लें, इससे भी बच्चे का रंग साफ होगा। अंगूर भी बच्चे को गोरा रंग देने में मददगार होते हैं, क्योंकि यह गर्भ की गर्मी को कुछ कम करते हैं। इसलिए बहुत अधिक तो नहीं, किंतु गर्भवती महिला को दिन में कुछ मात्रा में अंगूर जरूर खाना चाहिए। गाजर के रस से भी शिशु कॉर्नवर्म का होता है और स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट पैदा होता है। सर्दियों के दिनों में केसर बादाम युक्त दूध पीने से बच्चा सुकोमल और गुलाबी होता है। रोजाना खाने के साथ या उससे पहले भी आंवले का मुरब्बा खाना चाहिए, इसे खाने से बच्चे के रंग पर असर होगा और उसका रंग साफ होगा। केसर का दूध, आप में से बहुत से लोग ने सुना होगा कि केसर युक्त दूध के बारे में। रोजाना केसर की थोड़ी सी मात्रा को एक गिलास दूध के साथ उबालकर पीजिए। ऐसा माना जाता है कि केसर में कुछ विशेष गुण होते हैं जो माँ और बच्चे दोनों के रंग को गोरा करने में सक्षम होते हैं। लेकिन आपको यहाँ ये विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि केसर को ज़्यादा मात्रा में उपयोग नहीं करना है, क्योंकि इससे गर्भाशय के संकुचन होने का खतरा होता है। लेकिन थोड़ी सी मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में केसर गर्भावस्था के लक्षण जैसे ब्लड प्रेशर और मूड स्विंग्स को कम करने में मदद करता है। नारियल खाइए। ऐसा माना जाता है कि नारियल खाने से बच्चा गोरे रंग का पैदा होता है, तो आज से ही नारियल को सीमित मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। नारियल खाने और उसका पानी पीने से बहुत फायदे होंगे, जैसे इसके पानी से आपका शरीर का हाइड्रेशन लेवल बेहतर होगा, आपको ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे, मानसिक तनाव कम होगा, नींद भी अच्छी आएगी। तो दोस्तों, यह ऊपर दिए गए कुछ ऐसे उपाय हैं, ऐसे नुस्खे हैं जिनसे आप अपने बच्चे को गोरा करने में मदद करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमसे कुछ भी आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे ये ऊपर दिया गया वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस चैनल हेल्थ की दुनिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।